मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ दक्षिण भारत के दौरे पर पहुंचे, जहां शिवराज ने कर्नाटक के कुलबर्ग पहुंचकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शिरकत की। शिवराज केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित मां अमृता आनंदमयी मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने अमृतानंदमयी अम्मा का आशीर्वाद लिया और उन्होंने अम्मा को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केरल के कान्हा शांति वनम में सहज योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। कान्हा शांति वनम को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र माना जाता है। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक के कुलबर्ग पहुंचकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। शाम को सीएम पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित मां अमृता आनंदमयी मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अमृतानंदमयी अम्मा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अम्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमने साक्षात देवी माँ के तो दर्शन नहीं किए, लेकिन ये भी माँ है। अम्मा प्रेम की, दया की, करुणा की मूर्ति है। वो सचमुच में अमृत है जो लोगों को नया जीवन दे रही है। सारे शास्त्रों का सार एक ही है कि आप हर इंसान में परमात्मा का दर्शन करें। भगवान की पूजा अगर करना है तो गरीबों की सेवा कर लो। हिमालय पर बैठकर भगवान के लिए तपस्या कर लोगे, मंदिर में आरती गाओगे तो मैं नहीं जानता कि भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गरीब की सेवा कर ली तो उनकी आंखों में साक्षात भगवान दिखाई देगा। अम्मा के हाथों आज सभी की सेवा हो रही है। विधवाओं की सेवा के लिए उनके हाथ बड़े। अम्मा के प्रेम के संदेश को मैं मध्य प्रदेश में बांटने का प्रयास करूंगा। वो दरिद्र ही नारायण है, सचमुच में वो ही जनार्दन है। उसकी सेवा ही भगवान की पूजा है और आज साक्षात अम्मा के हाथों हमने देखा सबकी सेवा हो रही है। मेरी वो बहनें जिन्हें अपने परिवार खो दिए, अपने पति खो दिए, उनकी सेवा के लिए अम्मा के हाथ आगे बढ़े और न केवल सहायता की, हर एक बहन को अपने सीने से लगा के, गले से लगा के उनके दुखों को पीती है हमारी अम्मा, उनकी तकलीफों को कम करती है हमारी अम्मा। यह सचमुच में अद्भुत है और समस्त शास्त्रों का सार यही है। आज यहां आके हम सचमुच में धन्य हुए। मुझे गीता जी का एक श्लोक याद आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने शायद इसलिए कहा होगा कि जब जब जरूरत होगी सज्जनों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मैं बार बार धरती पर आऊंगा, और अम्मा उन्हीं अवतारों में से एक अवतार है जो धरती पे आके पीड़ित मानवता की सेवा कर रही हैं। मैं अभी सोच रहा था कि सरकारें, राज्य सरकार, इतने बड़े बजट, क्या इतनी करुणा से काम नहीं कर सकती, क्या इतनी दया से काम नहीं कर सकती। मैं अम्मा से यही सीख के जा रहा हूं। कोशिश हम भी करते हैं दीनों दुखियों गरीबों की सेवा के लिए। योजनाएं कई बनी हैं, लेकिन उन योजनाओं में अगर अम्मा की दया, करुणा, ममता और प्रेम और आ जाए तो सचमुच में इस धरती पर स्वर्ग उतर आए। और इसलिए अम्मा के प्रेम के संदेश को, दया और करुणा के संदेश को मैं भी मध्य प्रदेश में बांटने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अम्मा से कहा, सभी की इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि आप मध्य प्रदेश आओ और करुणा, दया और प्रेम का सागर बहाओ। नर्मदा जी मध्य प्रदेश में बहती हैं, लेकिन आपके प्रेम का जल हमें चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से जनता की सेवा करें। सीएम ने कहा, हमने बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें बेटी को लखपति बनाया जाता है। बेटी वरदान बने, बोझ ना रहे। अब मध्य प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी हो गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।